कोरोना वैक्सीन को लेकर अंबाला वासियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि अंबाला में कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इस बात की जानकारी देते हुए अंबाला सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो वैक्सीन को मंजूरी दी है और अंबाला को पहले फेज में कोरोना वैक्सीन के लगभग 10,000 डोज मिलेंगे। उन्होंने बताया कि अंबाला में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगभग 9,500 हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी और साथ में ही ये वैक्सीन लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाएगी। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ड्रग कंट्रोलर है उसने 3 जनवरी को दो वैक्सीन को मंजूरी दी है। एक जो भारत सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड है, उसको मंजूरी दी है और दूसरी भारत बायोटेक की वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन पुणे में मैन्युफैक्चर हो रही है और भारत बायोटेक की वैक्सीन हैदराबाद में मैन्युफैक्चर हो रही है और इन दोनों वैक्सीन को कोविशील्ड को और कोवैक्सीन को मंजूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 जनवरी को दी थी। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 1,10,00,000 हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीन को प्रोक्योर किया है। इनमें 1,95,000 के आसपास हरियाणा में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फर्स्ट फेज में इनको वैक्सीन लगनी है और जो अंबाला में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं 9,500 यानी 9,500 के आसपास अंबाला में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनको वैक्सीन लगनी है। 16 तारीख को वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो जाएगी और वैक्सीन आज वैक्सीन को पहुंचने की उम्मीद है। एक वैक्सीन की खेप दिल्ली से आएगी और दूसरी है मोहाली से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये वैक्सीन आएगी और इस वैक्सीन के मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीन का कोई ऐसा मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो बाकी वैक्सीन के होते हैं, भी हल्का सा बुखार आ जाना या जो जहाँ पे वैक्सीन लगी है वहाँ पे थोड़ा बहुत दर्द होना, उसके सिवाय कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। जो विभिन्न ट्रायल्स हैं उनमें इस वैक्सीन की इन लक्षणों इन दोनों वैक्सीन की पुष्टि हो चुकी है कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ और एफिकेशियस है, यानी वैक्सीन की एफिकेसी रोबस्ट है, अच्छी एफिकेसी है और ये कोरोना के संक्रमण से आने वाले दिन में हेल्थ केयर वर्कर्स को फर्स्ट फेज में लग रही है इनको बचाएगी, बाकी जिनको वैक्सीन लगेगी सभी को ये वैक्सीन जो कोरोना के संक्रमण से बचाएगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अंबाला में लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएमओ ने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगने के लिए पहले 2 बार व्यक्ति की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ही उसे कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद व्यक्ति को आधे घंटे तक डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का कोविन ऐप में नाम रजिस्टर्ड होगा उसी को कोरोना वैक्सीन लगेगी। अंबाला में पहले फेज में लगभग 10,000 डोज हमारे को मिलने की संभावना है क्योंकि 9,500 हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और आपको पता है कि वैक्सीन किसी को ऐसे नहीं लगेगी बगैर अगर उसका उसके पास एसएमएस जाएगा, एसएमएस वो लेके हमारे पास आएगा, उसको हम सेंटर अलॉट करेंगे कि भी आपको वैक्सीन यहाँ पे लगेगी और वहाँ पे जाएगा तो उसकी लिस्ट में नाम होगा, उसकी वेरिफिकेशन होगी कि भी हाँ यही वो है। डबल वेरिफिकेशन के बाद बिल्कुल उसकी जो कोविन ऐप है उसमें एंट्री होगी, उसमें अगर नाम होगा कोविन ऐप में तभी उसको वैक्सीन लगेगी और ये ऐप हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर बिल्कुल वेरीफाई करके और उसके ऊपर टिक करेगा कि हाँ यही आदमी है, उसके बाद उसको वैक्सीन लगेगी और वैक्सीन लगने के बाद आधे घंटे तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और उसके बाद उनको घर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी और उनकी जिसको भी वैक्सीन लगेगी उनका हमारी जो आशा वर्कर एएनएम और फील्ड स्टाफ है बिल्कुल अगर किसी भी तरह के कोई लक्षण आते हैं या अनटॉवर्ड इंसिडेंट होता है तो तुरंत हमारे को इन्फॉर्म करेंगे। हर वैक्सीन सेंटर के साथ हमने एक हॉस्पिटल को भी अटैच किया हुआ है ताकि अगर जरूरत पड़ने पे हम ऐसा हर वैक्सीन की जो मेजर ड्राइव होती है उसमें हर किसी में करते हैं, ये पहला वो नहीं है। चाहे पीछे एमआर कैंपेन हो इसमें भी हमने बिल्कुल सारे के सारे एहतियात बरते हैं।